दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय अभ्युदय पाइल्स। नमस्कार, मान न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है, साथ ही सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी है। आज 5 अगस्त अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की 5वीं वर्षगांठ है, ऐसा कहा जा रहा है कि यह एक और कारण है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाढ़ के हालात का आज जायजा लेने के लिए पुणे जाएंगे। वह दोपहर तक पुणे में रहेंगे। दिल्ली आने का कार्यक्रम फिलहाल रद्द हो गया है, दौरे के बाद दिल्ली आ सकते हैं। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर एहसान इकबाल का कहना है कि वर्तमान में हमारे पास वेतन और पेंशन देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन 2047 तक हम विकास करेंगे और भारत से आगे निकल जाएंगे। मैक्सिमो के सबसे खतरनाक अपराध क्षेत्रों में से एक को कवर करने वाले एक मैक्सिकन पत्रकार की हत्या कर दी गई। बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां बरसा दी, साथ ही सरकार की ओर से दिए गए 2 सिक्योरिटी गार्ड भी घायल हो गए। औरंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण फंसे 7 मछुआरों की खोज एवं बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है, अब तक मछुआरों का पता नहीं लग सका है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्वीट किया, सचिव एंटनी ब्लिंकन ने आज इराकी प्रधानमंत्री सुडानी से बात की और चर्चा की। क्षेत्रों के सभी पक्षों को क्षेत्रीय तनाव को शांत करने और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कदम उठाने चाहिए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की आज 5वीं वर्षगांठ है, जिसके मद्देनजर अखनूर में सुरक्षा बढ़ाई दी गई है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पुणे के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वह जिला प्रशासन और आपदा राहत में लगी अन्य एजेंसियों से भी मुलाकात करेंगे, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर जिले की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले के कलेक्टर एसपी एवं डीएसपी रहली को हटाने के तुरंत निर्देश दिए हैं। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में पदस्थ डॉक्टर हरिओम बंसल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि हिंसा को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। एडवाइजरी के मुताबिक बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की हिदायत दी गई है। शादी होने के बाद पत्नी का प्रजनन अंग नहीं होने पर आप तलाक नहीं ले सकते। पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला जमुई फैमिली कोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए सुनाया है। जमुई के एक शख्स का कहना था कि उसकी पत्नी का प्रजनन अंग नहीं है, जिसके कारण वह संतान सुख नहीं दे सकती, इसके लिए वह अपनी पत्नी से तलाक चाह रहा है। शिवपुरी के नदी नाले उफान के बावजूद लोग अपनी जान हथेली पर लेकर रपटे पार कर रहे हैं। रविवार को भी शाम एक बाइक सवार नदी की रपट पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की पानी की तेज रफ्तार वो झेल नहीं पाया, जिसके चलते बाइक समेत वो बह गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बिहार के हाजीपुर में रविवार देर रात हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे आ गया। करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 2 कांवड़िये बुरी तरह से झुलस गए। सभी मृतकों और परिजनों को 4-4 लाख रुपए बतर मुआवजा दिया गया है। आखिर ये दर्दनाक हादसा कैसे हुआ, ये पता लगाने में प्रशासन जुट गया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब में आज भारी बारिश का अलर्ट है। मॉनसून की बारिश से पहले हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कहर बरपा रही है। इन तीनों ही राज्यों में बादल फटने की वजह से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों परिवार तबाह हो गए हैं।
यूपी के गाजीपुर जिले में एक गांव में 2.5 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात सामने आई है, जहां गांव के रहने वाले एक हिस्ट्री सीटर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले की संगीनता को देखते हुए महज एक हफ्ते में जांच करके कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। नासिक सड़क हादसे में 3 लोगों को पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों ने सुरक्षित बचा लिया, वही बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, फिलहाल डिंडोरी थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच जारी है। यूपी के इटावा में खुदकुशी की कोशिश का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने ही घर वालों पर शादी न करवाने का आरोप लगाया है। शख्स ने कहा कि शादी नहीं होने की वजह से वह अकेला अपने आप को महसूस करता है और उसे रातों की नींद नहीं आती। यूपी के सोनभद्र में पुलिस ने एक फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है, जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते थे। दोनों आरोपी ग्राहकों से बायोमेट्रिक मशीनों पर अंगूठे के निशान लेने से पहले पिघले हुए मोम पर निशान लेते थे। उन्होंने यह अंगूठे के निशान का क्लोन बनाना यूट्यूब से सीखा था। मुंबई की एक सोसाइटी की बैठक में चेयरमैन ने कुछ ऐसा कर दिया कि सभी सदस्य हैरान हो गए। मामूली विवाद में सोसाइटी चेयरमैन ने एक सदस्य के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उसकी छाती पर बैठकर उसका अंगूठा चबा गया। मुंबई पुलिस ने अब आरोपी चेयरमैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली में हाल ही में एक यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती ने खुदकुशी की है। उसने अपने कमरे में एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने बताया कि वह मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित थी। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। क्या आप भी पाइल से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज, बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज, बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट, पहले आए और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी, अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारी प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICA Edge Skills Private Limited। हमारा पता प्लॉट नंबर 46, शिवम अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, थंतोली, नागपुर, 440012। संपर्क करें 9226466779। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूमधड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बैलतरुड़ी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट अकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHD, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड।
यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th जून। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओमकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयमंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674।